तो फाइनली आप सभी को पता है ओवेन इलेक्ट्रिक की तरफ से उनकी इलेक्ट्रिक बाइक आती है जिसका नाम है ओवेन रॉर। और इस इलेक्ट्रिक बाइक जो है डिलीवरी होना अब स्टार्ट हो गया है, आप जो है बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग करने का आप डाउन पेमेंट पे भी ले सकते हैं। अगर डाउन पेमेंट पे लेना है और आपको प्रोसेस जानना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, एक वीडियो बना दी है। और यहाँ पर मैं आप बता दूं, यहाँ पर ओवेन रॉर को जब इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च किया गया था तो उन्होंने बताया कि जो हमारी IDC रेंज है वो आपको 200 किलोमीटर की आपको प्रोवाइड की जाएगी, पर लेकिन यहां पर उन्होंने कट कर दिया है, यहां पर जो कस्टमर है उनको धोखा दे दिया है। पर लेकिन अब जो है इलेक्ट्रिक बाइक में जो रेंज प्रोवाइड की जाएगी वो आपको 187 किलोमीटर की आपको IDC रेंज प्रोवाइड की जाएगी। तो यार ये सही नहीं है, आप पहले जो है 200 किलोमीटर आपको IDC रेंज बताते हो फिर उसके बाद भाई वहां से आप कुछ कट कर देते हो रेंज के लिए, तो ये सही नहीं है, आपको 200 किलोमीटर की रेंज देनी। पर ऐसा हुआ क्यों वो वाली डिस्कशन करेंगे कि भाई ऐसा प्रोसेस क्यों हुआ। वहीं पर हम बता दें, यहाँ पर हम बता दें कि जो NMC बैटरी है वो पावर ज्यादा जनरेट करती है। यहाँ पर बैटरी का प्रॉब्लम रहा है वो हम बताएंगे। यहाँ पर हम बता दें जो NMC बैटरी है वो पावर जनरेट ज्यादा करती है, उसका घनत्व जो है कम होता है, डेंसिटी मतलब वजन जो है वो कम होता है। वहीं पर LFP केमिस्ट्री है उसकी जो पावर है वो कम होती है पर लेकिन जो डेंसिटी है वो ज्यादा होता है, मतलब वजन जो है ज्यादा होता है। तो वहां पर वो NMC बैटरी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक में, जो कि सही नहीं है मेरे ख्याल से। LFP केमिस्ट्री के मुकाबले NMC बैटरी थोड़ी सही नहीं है, सिर्फ पावर जनरेट करने के लिए ठीक है पर लेकिन लाइफ टाइम के लिए वो ठीक नहीं है, यानी कि उसका जो जीवन काल है वो कम होता है, वो हम बात करेंगे यहीं पर। यहाँ पर मैं बता दूं वो NMC बैटरी की जगह वो LFP केमिस्ट्री की बैटरी जो है यूज कर रहे हैं और उसके कारण वो 200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड नहीं करा रहा है। अगर वो 200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करा रहे हैं तो 4.4 किलोवाट की आपको लिथियम आयन बैटरी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि तो उसमें जो सेल की संख्या है वो बढ़ाएंगे और तो जब सेल की संख्या बढ़ेगी तो जो बैटरी पैक है उसका जो है साइज जो है बड़ा होगा और साइज बड़ा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी और ज्यादा होने के कारण उसकी जो 4.4 किलोवाट की आपको लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है पर लेकिन उसका जो किलोवाट है वो भी बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसी कारण हमारी जो इलेक्ट्रिक बाइक की जो रेंज है वो आपको 187 देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें 4.4 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी देनी चाहिए थी। और यहाँ पर मैं बता दूं कि NMC बैटरी से LFP बैटरी क्यों बेटर है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो NMC बैटरी है वो 1000 से 1500 बार आप चार्ज कर सकते हैं और उसे डाउन कर सकते हैं। वहीं पर LFP केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री की बैटरी की बात करें तो आप 2000 से 2500 बार चार्ज कर सकते हैं और उसे डाउन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंस है और फिर उसके बाद में उनका जीवन काल खत्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग है दो या तीन साल का आपको गैप देखने को मिल जाता है कि एक बैटरी आपको पाँच साल चार साल में आपको खराब देख हो जाती है NMC बैटरी। वहीं पर LFP केमिस्ट्री आपको 7 साल में या 8 साल में आपको खराब होने को देखने को मिल जाती है, यानी कि उसकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है 7 से 8 साल में LFP केमिस्ट्री की। तो वो सही है बैटरी, मुझे इस लगता है कि ये काफ़ी बढ़िया है। आप भी यदि मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। वैसे बहुत सारे इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है, बहुत सारे लोग आप सिंपल वन का इंतजार कर रहे हैं तो सिंपल वन भी आप सभी को डिलीवर कर दिया जाएगा, उसके 23 तारीख को लॉन्चिंग है। वहीं पर हम बात कर दें, आप इनकी टेस्ट राइड भी चल रही है, आप ओवेन इलेक्ट्रिक की टेस्ट राइड भी ले सकते हैं। और टेस्ट राइड लेने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको टेस्ट राइड में यहाँ पर जाके एक प्रकार का आपको बुकिंग करना होगा, बुकिंग टाइप का करना होगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद में अपना ईमेल दर्ज करना होगा और आपको 1 मई के लिए बेंगलुरु में आपको टेस्ट राइड मिल जाएगी। बस बहुत ही बढ़िया। तो आप टेस्ट राइड लेना चाहते हैं ओवेन और इलेक्ट्रिक बाइक की तो आप जाके ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।